थोड़ा सा ट्रेनर वाला कुछ नहीं है अभी, साहब आज काम करें। अच्छा एक बार आप भी आ जाओ। आ गए, ये आगे बुरा मान रहे। मैन गेट है और ये यहाँ पर माल आते हुए। अरे गाइस अभी कुछ दिन से वीडियो भी नहीं बना। आपका स्वागत है का कोशिक ब्लॉग्स में। तो आज हम एक सरप्राइज जगह जाने वाले हैं। भाई आशीष हमारे साथ, आशीष भाई भी जा रहे हैं। तो आशीष भाई हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं महपालपुर शिव मंदिर। तो भाई हम महपालपुर शिव मंदिर जा रहे हैं। हाँ जी, हम बस पहुँच चुके हैं जस्ट। बस हम पैदल निकल रहे हैं, हम जान बुझ के पैदल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? हम 5-10 मिनट का रास्ता है, हम पैदल इसलिए चल रहे हैं। तो हम आपको आगे मिलते हैं। आगे मिलते हैं। हाँ आगे मिलते हैं भाई। क्या सीन है? 5 मिनट हो गए भाई, पहुंच गए। 5 मिनट लगेंगे भाई। मजा बहुत आ रहा है, पर मजा आ रहा है दोनों तरफ। रोड शोर शराबा मच रहा है, फुल मजा आ रहा है। पता नहीं मेरी आवाज आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। भाई मास्क गिर गया, भाई का मास्क गिर गया रोड पे चलते हुए। पूछना पूछ 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 भाई। गाइस हम पहुंच चुके हैं, धूप बहुत तेज है इसलिए मैं हाथ लगा रहा हूँ माथे पे। हम पहुंच चुके हैं, वो सामने ही अभी मूर्ति दिखाई दे रही है। अभी भाई के साथ बहुत खतरनाक सीन हुआ, मास्क गिर गया रोड पे चलते हुए। इस मास्क को लगाने का आ चुके हैं। हेलो, हम पहुंच चुके हैं, मम्मी लोकेशन पे आ चुके हैं बहुत देर के बाद। 11 नंबर की बस से चल चल के आए हैं पैदल। ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप, हम शिव मंदिर पहुंच चुके हैं। तो हम अब आपको आगे घुमाएंगे आगे। भाई भाई ने प्रसाद ले लिया है। यहाँ कहाँ जा रहे हैं? हम आ चुके हैं, हमने फूल खरीद लिया। हम शिवलिंग पे फूल चढ़ाने के लिए। तो दिखाओ भाई कितना बड़ा मंदिर, कितना बड़ा मंदिर है यार भाई। सबको सामने किस चीज की मूर्ति है? कान्हा जी की मूर्ति होगी, महाराज की, श्री राम की। ये मूर्ति श्री कृष्ण भगवान की है, श्री राम की। जी की मूर्ति है, ये राधा कृष्ण मूर्ति है। अरे सामने शिव जी भगवान की मूर्ति है। ये 60 फीट तो होगी ना, ये 60 फीट है ना, 60 फीट है यार। ये हमारे श्री राम जी की और सीता मैया की मूर्ति है। अब हम आगे चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे। ये वैसे बहुत बड़ा मंदिर है, मैंने सुना। मैं बचपन में आया था, 6-7 साल था, 6-7 साल का था जब ये 6-7 साल का था जब आया था ये यहाँ। मैं अपनी बुआ के साथ आया था। बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ इस मंदिर। मतलब ये यहाँ फील अलग है, यहाँ का बहुत अलग। सात नहीं है, 60 फुट के भाई, 60 फुट की मूर्ति है ये। रोड से आ रहे थे तो हमें रोड, ये आप देख सकते हो गणेश जी बैठे हैं। ये सब उधर प्यारा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर। तो अब कितनी बड़ी मूर्ति है, कैमरे में नहीं आ पा रही है। मैं घंटा बजाने जा रहा हूँ भाई, ये घंटा बजाने जा रहा है। तो भाई ये खुश हो चुका है घंटा बजा के। ये बहुत ऊंचाई की मूर्ति है, तीन मूर्ति है बस, और गार्डन भी है प्लस बस पार्क के साथ। ये बहुत बड़ा मस्त है, ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है आज का। फुल व्यू वाली बातचीत है, देखो हर कोई फोटो खींच रहा है। पर मैं आकाश के साथ फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस पार्क में। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम आ रहा है क्योंकि हम आज बहुत दिनों बाद मिले हम तो, है ना। आज हमारा संडे को प्लान बना के हम इस मंदिर में आएंगे। बंदर ये देखो, छोटा सा बेबी घूम रहा है। कहाँ है बंदर? मेरा सामने बंदर। अलग ही लेवल है भाई यहाँ तक। आज यहाँ पे इसके कहने का मतलब है जो यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, ज्यादा दूर से आने वाला है, परेशानी हो जाती है, इसलिए वो ज्यादा ही घूमते हैं। इधर किधर जाने का रास्ता है कहीं? हाँ है रास्ता। आओ चलो हम इधर बैक साइड से देखो कैसा लगता है। ये पीछे भगवान की मूर्ति, ये देखो
इतनी बड़ी मूर्ति है कि इसमें आ भी नहीं पा रही, मेरे को बैठना पड़ रहा है दिखाने के लिए। देखो ये देखो कितना सा लग रहा है, आप देख सकते हो, देख सकते हो कितना सा लग रहा है। अब हम नीचे चल रहे हैं, नीचे जाएगा, नीचे देखेगा क्या फुल मजेदार वाली बातचीत, फुल कपल्स। आज आपको पता है क्या है, रोज डे, तो रोज डे पे तुम्हें पता है शुरू हो चुका है। देख सकते हो रोज डे वाले दिन हम मंदिर आ रखे हैं, साइड के मंदिर का है, कितना प्यारा नजारा है। मेरे हिसाब से यहाँ पानी वाली होता होगा पहले। हाँ जी हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर पानी, क्या होता है? पानी भर जाता है यहाँ पर, पानी 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 भर जाता है, तो यहाँ पानी भर जाता है। वैसे तो यहाँ एक तरह से खाली कर रखा है, अभी यहाँ ना अलग ही लेवल का फील है, अभी फुल फील है यहाँ। ये देख सकते हो आप कितना बड़ा है, बैक साइड का फुल फील है यहाँ। अरे पूरा घुमाऊंगा तेरे को, देख गाइस हम पूरा घूमेंगे यहाँ पे, हम आपको बिल्कुल जस्ट बिल्कुल जो पास में आप ये कपल्स देख रहे हो, इनकी शादी की बातचीत चल रही है यहाँ। तो इनकी जो है परिवार आ रखा है, वो सामने परिवार खड़ा है, शादी की बात चल रही है। यहाँ पर क्या होता है खास करके, ज्यादातर लोग है ना शादी के लिए भी अंदर आइए, देखिए खा पी रहे हैं, फुल स्वाद ले रहे हैं। नजदीक जाते हैं भाई, बंदर ना हमला करेंगे तो छोटे छोटे बेबी है, बड़े प्यारे प्यारे बंदर हो गए, अलग ही फील आ रहा है भाई। ये देख सकते हो कहाँ जा रहा है, वो हमें देख के भाग रहा है। मैं राउंड ले, ये राउंड ले रहा है, ये फुल चेक कर रहा है। गाइस अगर आपको आना हो महिपालपुर, तो आप महिपालपुर में आके आ सकते हो, यहाँ शिव मंदिर है, जब मर्जी आ सकते हो, सबसे बेस्ट प्राचीन मंदिर है, आप रोड पे आके आ सकते हो। ये हमारे मंकीज खा रहे हैं, फिर तो मेरे पीछे पड़ गया था, इस कारण से हमने वीडियो रोक दी थी। हाँ भाई पीछे पड़ गया था वो, हमारे पीछे पड़ गया था। हम आते मंडे को, पर हमें संडे को टाइम मिलता है, पर हम संडे वाले दिन आए, तो फिर आगे आपको और दिखाते हैं। तो शादी तय हो चुकी है पूरी, और ये पीछे यहाँ पर गार्डन भी है, यहाँ पे गार्डन भी आप देख सकते हो। यहाँ पर है ना एक टाइमिंग, मेरे हिसाब से टाइमिंग की पाबंदी है कुछ, कि आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं घूम सकते। हम यहाँ पर कोई टाइमिंग वाइमिंग है, यहाँ पर गार्ड्स भी बहुत ज्यादा रोकते हैं। अच्छा इनको स्टाफ के बंदे, वो यहाँ पूरे फुल झूला वूला है। ये बैक साइड से आप कान्हा की मूर्ति देख सकते हो, राधा कृष्णा की, दर्शन करो बाहर। दर्शन तो कर रहे हैं, चैनल है हमारा, थोड़ा सा चैनल वाला कुछ नहीं है अभी, साहब आज काम करें। अच्छा एक बार आप भी आ जाओ। आ गए, ये आगे बुरा मान रहे, ये बुरा मान चुके हैं, इनका कहने का मतलब है इनको भी डांट पड़ती है पूरी। हाँ जी ये नौकरी करते हैं, इन्हें डांट पड़ चुकी है, इसलिए अब हम वीडियो का अंत कर रहे हैं, अंत नहीं कर रहे, थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं। फिर पड़ गई थी जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको डांट पड़ती है, तो इसलिए गार्ड मना करते हैं, टाइमिंग की नहीं है, दर्शन करने आते और कुछ नहीं है। मैन गेट है, और ये यहाँ पर इनकी मूर्ति है, यहाँ इधर सामने और दिखाना चाहते हैं हम आपको, यहाँ पे दुकान भी है। कौन सी दुकान है ये? यहाँ पे मंदिर है, दुकान है। एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, ये गार्ड बार बार दुखी क्यों हो रहा है? गार्ड की नौकरी है ना, इसलिए दुखी हो रहा है। कितना प्यारा व्यू आप देख सकते हो, कितने प्यारे प्यारे फूल हैं बगीचे में। एवरीथिंग इज ओके, ब्यूटीफुल प्लेस। कैसा प्लेस? प्लेस थोड़ा, ये तो मंदिर है प्यारा, मंदिर है यहाँ, इसको प्लेस क्यों कहते हैं? ये देख सकते हो अलग ही लेवल का स्वाद आते हुए। अब हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ, हम एग्जिट हो रहे हैं, अब 5 मिनट में हम यहाँ से निकलने वाले, गेट की तरफ जा रहे थे पर आकाश ने रुख मोड़ दिया है, कह रहा है गार्डन की तरफ चलते हैं। अब हम गार्डन की ओर जा रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं हम यार, बहुत आकर्षित हो रहे हैं। अब जस्ट हम आए थे यहाँ पे मंदिर में, हम दर्शन कर रहे हैं, पर यहाँ पे देवियाँ बहुत है। यहाँ देख सकते हो सरदार जी आ रखे हैं, यहाँ सरदार जी, क्या हर कोई आता है यहाँ? हर कोई नहीं आता, बस जो मानता है दिल से वो सब मानता है। ये गार्डन है, कितना प्यारा गार्डन है आप देख सकते हो, प्यारा गार्डन है ये। इस गार्डन में, इस गार्डन में हम इस तरफ को नहीं आए थे, क्योंकि हम जस्ट बैक साइड वाले रोड की तरफ गए थे, रोड के जस्ट अटैच है। चलो फिर चलते हैं, अगर आ जाओ बाहर चले, ये देख सकते हो इस साइड भी है, इस साइड भी, दोनों तरफ का है ये। देखो पानी पी रहा है भाई। एक बात बताओ, यहाँ कोरोना लग रहा है? कोरोना है? कोरोना हमने नहीं लगा रखा है यहाँ पे मास्क, यहाँ पे कुछ कोरोना कोरोना नहीं है। क्यों, वैक्सीन आ चुकी है जब से आपने मास्क? वैक्सीन आ चुकी है मेरे ख्याल से, वैक्सीन आगे भी लग चुकी है, पर हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। वैक्सीन का क्या है? क्या है?
ज्यादा इंजॉय लिया यार, कर लिया यार, अब मन भी नहीं कर रहा ज्यादा देर तक रुकने का कम से कम, क्योंकि भगवान की शरणों में पड़ा ही रहेगा फिर ये। अब हम एग्जिट कर चुके हैं देखो गेट से, हम अब हम घर जा रहे हैं, ये रोड आ गया। अगर आपको आना हो यहाँ माईपालपुर में, यहाँ सामने बस आती है, वैसे ये 5 किलोमीटर में अलग ही यहाँ बस स्टैंड है। 717 भी आती है यहाँ, कापा सेडा बॉर्डर की डायरेक्ट बस आती है यहाँ। ये माईपालपुर में प्राचीन मंदिर पड़ता है, शिव मंदिर है नहीं, माईपालपुर शिव मंदिर, माईपालपुर शिव मंदिर है प्राचीन मंदिर, ये उत्तम नगर से आती है 772, ये हमारे घर के वहीं से आती है डायरेक्ट बस। सो गाइस, सो मैं घर पे आ चुका हूँ, मंदिर हमने आपको पूरा दिखा दिया था, वो मंदिर जो पड़ता है वो महिपालपुर शिव मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। अगर आप उत्तर नगर साइड से आते हो तो 772 बस से आ सकते हो, डायरेक्ट जाती है। अगर आप कापा सेडा साइड से आना चाहते हो तो 717 की आई थिंक वो बस वो भी आती है वहाँ। सबसे बेस्ट मंदिर है, आप फैमिली के साथ जाके इंजॉय कर सकते हो। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, अब अभी कुछ दिन से वीडियो भी नहीं बना रहे थे, पर आप कंटिन्यूसली वीडियो बनाएंगे, हफ्ते में 1-2 वीडियो जरूर बनाएंगे, आपको अच्छी लगेगी। जय हिंद, जय भारत।